चलिए बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप मार्केट से लेके आइए ताज़े ताज़े स्ट्रॉबेरी को, और इसको हमें सबसे पहले साफ़ करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि हम देख के तो नहीं लाते ना कि डब्बे के अंदर कैसी स्ट्रॉबेरी भरी हुई है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो इस पर मैंने पहले सादे पानी से वॉश किया है, और उस पानी को फेंकने के बाद मैंने फिर से इसमें पानी डाल के थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, और उसको थोड़ी देर रहने के बाद अच्छे से मलने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी का पानी फिर से फेंक दिया है, और उसके बाद हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि ना इसके डंठल को हमें ना इसे निकाल देना है, जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है। उसके बाद हमारी फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी रेडी है। इसी तरीके से हम सारी स्ट्रॉबेरी के ऊपर वाला डंठल वाला पार्ट हटा देंगे, और उसके बाद हमारी बहुत ही फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी बनके रेडी हो जाएगी। तो अब हम ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं उनमें सब्ज़ियों में ना जितने भी हम पोषक तत्व ढूंढेंगे उससे अधिक मात्रा में हमें पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से जितनी भी सावधानी बरतना आवश्यक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी को बीच से कट लिया है ताकि जब हम इसे मिक्सी में डाल के पीसें तो आसानी से ये पीस जाए। उसके बाद मैंने मिक्सी का ग्राइंडर लिया है, उसमें स्ट्रॉबेरी को डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। चीनी आपके ऊपर है, आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो आप गुड़ भी ले सकते हो या ऊपर से कुछ हनी वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध को डाल दिया है। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने पीसा है, जब तक ये बारीक कट समाप्त नहीं हो गए तब तक मैंने पीसा। आपको पता होगा कि स्ट्रॉबेरी में बीज होते हैं, तो वो बीज थोड़े थोड़े रफली दिखेंगे आपको। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे इसको पीस लिया है। अब मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास के ऊपर मैंने एक स्ट्रॉबेरी को कट करके रख दिया है, मतलब छोटा मोटा डेकोरेशन। उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी शेक को, मतलब मिल्क शेक को मैंने ग्लास में सर्व कर लिया। अब ये ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। तो आप ना बाहर जाने की ज़्यादा अच्छा है कि घर पे ही बना के बहुत ज़्यादा आसानी से आप टेस्टी टेस्टी सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के पी सकते हो, और फ्रेश भी है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है। तो ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।